जय यीशु, परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 2। तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है कि जब हम उसके छत्र छाया में रहते, जिस प्रकार हमने कल पढ़ा, छत्र छाया में रहने से हमें पूर्ण रूप से सुरक्षित रखता है, तभी हम उसे कह सकते हैं कि तू मेरा गढ़ है, तू मेरा ताकत है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। मेरे भाई और बहनों, जिसके साथ हम समय बिताते हैं उसी को हम भरोसा करते हैं। अगर मैं आपको कभी जानता नहीं, आप केवल मुझे वीडियो के द्वारा देखते, एक दिन मैं आपके घर आ जाता हूँ, आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं हर दिन आपके घर आऊंगा, हर दिन आपसे वो रिश्ता बनाऊंगा, तभी जाकर आप मेरी ओर भरोसा बनाएंगे, क्योंकि आप मुझे जानते हैं। मेरे भाई और बहनों, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के साथ हर दिन समय बिताएंगे, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाएंगे, तभी तो उसे कह सकेंगे, परमेश्वर तू मेरा गढ़ है, तू मेरा भरोसा है, तू मेरी ताकत है, तू मेरा सब कुछ है। हम केवल प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे, केवल सोचेंगे कि हम धार्मिक है, प्रार्थना में परमेश्वर ने जो समय मांगा उस समय उसे नहीं देते हुए जाएंगे और बोलेंगे चर्च में या कहीं प्रार्थना समय में परमेश्वर का धार्मिक व्यक्ति हूँ, वो मेरा गढ़ है, ये वो है, कुछ नहीं, वो खाली शब्द है, वो खोखला शब्द है। मेरे भाई और बहन, किसी जन को गढ़ बनाने के लिए उस जन के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है, तभी वो गढ़ बनता है, तभी वो भरोसा बनता है, तभी वो हमारा चंगाई और छुटकारा बनता है। मेरे भाई और बहनों, आज अपने हृदय के अंदर जाग कर देखेंगे, कभी कभी हमने खोखले वचन दिए है परमेश्वर को, क्या वो सच्ची में हमारा गढ़, क्या हम उसके साथ समय बिताते हैं हर दिन। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, तुझे हम अपना गढ़ कह सकते हैं, तुझे हम अपना भरोसा दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर, भरोसा देने के लिए, घर बनाने के लिए रिश्ता जरूर, क्या हम तेरे साथ वो रिश्ता बनाते हैं? आज हम अपने आप से वो सवाल पूछते हैं, कि केवल तुझसे कुछ लेने के लिए हम रिश्ता बनाते हैं, कि तू हमारा सब कुछ है इसलिए हम रिश्ता बनाते। आज परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे सामने खाली रखते हैं, देख परमेश्वर हम कहाँ खड़े और हमें बदल। अगर हम में केवल खोखले वाला जिंदगी जी रहे, परमेश्वर से पूर्ण रूप से बदल, हमारे हृदय में परमेश्वर तेरी और प्रेम जगा, के हम खे सके, के हम हर दिन तेरे साथ समय। और यही प्रार्थना परमेश्वर इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। जय श्री।